रही है अमित, बहुत तकलीफ हो रही है। जब ये दोनों छोटी बच्ची थी, कभी कभी बीमार पड़ जाया करती थी, तो इनकी हल्की फुल्की पीड़ा भी हिला के रख देती। वसुंधरा जी, मेरी साधना पर यूं गोली चलना, ऐसा लगा जैसे मेरा ही सीना भेद कर चली गई हो। पहली बार साधना को खो देने का खौफ मेरी तो जिंदगी इतनी छोड़ के रंग दी। मेरी मेरी बच्ची मेरे हाथों से छूट रही है, ये सोच कर ही कांप उठता हूँ। रूप में मत सोचिए शर्मा जी, ऐसा मत सोचिए। साधना को हम खो नहीं सकते, साधना को ठीक होना ही होगा, हमारे लिए ठीक होना होगा उसे। आप मत घबराइए, सब ठीक हो जाएगा। आप संभालिए अपने आप को, संभालिए। वक्त की रफ्तार इतने धीमे पहले कभी नहीं थी। कभी नहीं सोचा था मां कि अपनी बहन को इस हालत में देखूंगी। ऐसा मत सोच बेटा, लेकिन होने को कौन डाल सकता है। पता है मां, मैंने सारी जिंदगी साधना को दुख झेलते हुए देखा है। आपकी अपनी बेटी को तो केवल उसके रंग रूप के ताने सुनने पड़ते हैं, लेकिन असल दर्द तो मेरी साधना ने सहा है। क्या कुछ नहीं खोया उसने मां? देखो ना मां, मेरी बहन जिसने अपनी सारी खुशियां मेरे साथ बांट ली, आज वो कैसे बेहाल पड़ी है जिंदगी और मौत के बीच, और मैं इतनी बेबस हूं कि उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। पता है मां, मैं चाह करके भी उसकी जगह नहीं ले सकती, उसके दुख को बांट नहीं सकती। ऊपर वाले से बस इतनी दुआ करती हूँ कि मेरी जिंदगी ले, लेकिन मेरी बहन को सही सलामत कर दे। बेबी तो उसे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा उसे। आलेख, आलेख दरवाजा खोलो, आलेख, आलेख दरवाजा खोलो, छोटी माँ आई है जूस लेकर। आलेख, आलेख, क्या बाबा? आलेख दरवाजा, आलेख दरवाजा नहीं खोल रहा। आलेख, आलेख ओपन द डोर। आलेख, आलेख देखो तुम्हारा फेवरेट जूस लाए हैं। आलेख दरवाजा खोलो, आलेख, आलेख दरवाजा खोलो। माँ, इस कमरे की दूसरी चाबी है क्या? नहीं, और कोई चाबी नहीं है। आलेख, हम वसु को फोन करके आते हैं। अरे आई होप
घर पे आलेख ठीक होगा, ईश्वर करे संभल गया होगा अब तक। हाँ बोलिए। क्या क्या कह रही आप? आलेख आलेख दरवाजा नहीं खोल रहा। रुकिए हम कुछ करते हैं। क्या आलेख ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, वो दरवाजा नहीं खोल रहा। हमें अभी जाना होगा। हाँ बसु, वी बस लीव इमीडिएटली। शर्मा जी, हमको अभी के भी घर जाकर आलेख को देखना होगा। जी आप आप तुरंत जाइए। चलिए। रणवीर जी बेटा, आप भी जाइए, हम सब हैं यहाँ। जी बाबू जी। रणवीर रुको बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ आता। रणवीर प्लीज डू मी अ फेवर, मुझे फोन करके आलेख के बारे में बताते रहिएगा, ताकि अगर कोई भी इमरजेंसी हो मैं जल्द से जल्द वहां पहुंच सकूं। थैंक यू सो मच। ओके रहियो आलेख। रणवीर प्लीज दरवाजा खोलो। आलेख दरवाजा खोलो बेटा। आलेख आलेख बेटा दरवाजा खोलो। रणवीर प्लीज दरवाजा खोलो प्लीज। रणवीर जल्दी लेके आइए अर्जेंटली। मैं लाता हूँ। पहले उसके दादाजी की मौत उसके लिए कभी ना भरने वाला जख्म बन गई। उस दहशत से वो बाहर निकल ही रहा था कि साधना के लिए गिल्ट उसके मन में बस गया। जिंदगी में कितनी तकलीफों से गुजरा है हमारा बेटा, और अब ये हादसा। आखिर हमेशा हमारे बेटे को इतना दर्द क्यों सहना पड़ता है? क्यों मसूर?
संभालो अपने आप को। पता नहीं क्यों वसु, लेकिन लेकिन मुझे इसी बात का डर था। आज अगर श्लोक ने ये सब एक्सपेरिमेंट नहीं किए होते तो वो लोग उस रास्ते से जाते ही नहीं। ना वो उस रास्ते से जाते और ना ही ये हादसा होता। भाई साहब, जो तकदीर में लिखा होता है वो तो होकर ही रहता है। हो सकता है कि ये सादा और आलेख का अच्छा नसीब था जो श्लोक उस वक्त उनके साथ था, वरना पता नहीं उन दोनों पर कितनी बड़ी मुसीबत आ पड़ती। सतन जी, आप ठीक कह रहे हैं। और वैसे भी अभी हमें सिर्फ आलेख और साधना के बारे में सोचना चाहिए। साधना की जान खतरे में है और आलेख बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है। अभी तो हमने उसे टैबलेट देकर सुला दिया है, पर जब वो नींद से उठेगा तो पता नहीं क्या होगा। हेलो श्लोक जी, रणवीर बोल रहा हूँ। आलेख कैसा है? श्लोक जी, भैया थोड़े से हाइपर हो गए थे, उन्हें गिल्ट कॉम्प्लेक्स है कि वो भाभी को बचा नहीं पाए। अभी सो रहे हैं, हमने उन्हें नींद की गोली दी है। श्लोक जी, भाभी कैसी है? थोड़ी देर पहले ब्रेथलेस हो गई थी, इंजेक्शंस देने पड़े, लेकिन अब कंडीशन स्टेबल है। ओह, लेकिन श्लोक जी, डॉक्टर्स ने पक्का यही कहना कि भाभी अब ठीक है? जी रणवीर जी। श्लोक जी, आप प्लीज साधना भाभी का ख्याल रखिएगा, हम लोग बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। बाय। आलेख भैया, क्या हुआ? मुझे मेरे दोस्त के पास जाना है। लेकिन भैया, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपने दवाई ले रखी है। नहीं, मुझे मेरे दोस्त के पास जाना। चलो। लेकिन भैया, नहीं भैया, मेरी बात तो सुनिए, मुझे जा, प्लीज आपको आराम की जरूरत है। भैया आई थिंक वसु, हमें हॉस्पिटल के लिए जल्दी चलना चाहिए। मुझे वहां से फोन आया था कि थोड़ी देर पहले साधना की हालत अनस्टेबल हो गई थी। ओह गॉड, लेकिन क्या आलेख रणवीर के साथ रह पाएगा? आई मीन, अगर रणवीर मैनेज नहीं कर पाया तो? डोंट वरी, आप लोग जाइए, हम यहीं रुकते हैं। ठीक है, रुकिए, मैं भी चलूंगा। छोटी माँ, मुझे भी मेरी दोस्त के पास। पर आलेक, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? आलेक को रेस्ट करना चाहिए। आलेक का वहां जाना ठीक नहीं होगा, वो और अपसेट हो जाएगा। आलेक नहीं जा सकता। आप दोनों इसका ख्याल रखिए।
मुझे मेरे दोस्त के पास जाना है। सारी गलती मेरी थी, मेरी जिद की थी आइसक्रीम खाने की। मैंने अपने दोस्त की बात नहीं मानी, बहुत बुरा हूं मैं, बहुत बुरा पति हूं मैं। मुझे मेरे दोस्त के पास ले चल, मेरे दोस्त के पास ले। ठीक है, चलो आलेख। कैसे हाल है बाबू? कैसी तबीयत है अलग बाबू की? रमी जी, इज यू ओके? जी आलेक भैया तब तक ठीक नहीं होंगे जब तक साधना भाभी होश में नहीं आएगी। वो काफी गिल्टी फील कर रहे हैं। शर्मा जी, आप अगर चाहें तो बेशक घर जाकर फ्रेश हो जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए। हम सब है ना जी? नहीं, मैं जब तक मेरी बच्ची होश नहीं आ जाता, मैं यहां से कैसे जा सकता हूं? आलेख भैया, आलेख भैया प्लीज कुछ खा लीजिए। आलेख, सब कुछ ठीक हो जाएगा, साधना जी को कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर बैठ जाइए, साधना ठीक हो जाएगी, आप बैठ जाइए। Thank you.
जिया जी कुछ खा लीजिए। जिया जी विदाई विदाई रीत ये कैसी है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।